हे माय लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो हाय, मैं हूँ आशु और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि 5 प्रोडक्ट हैं और आपको इस फेस्टिवल बहुत ही काम आने वाला है। जैसा कि आपको पता है, दिवाली अराउंड द कॉर्नर, ये बहुत सारे फेस्टिवल पास में है, करवा चौथ पास में है, दिवाली पास में है, इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल बस बैक टू बैक आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे 5 प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि आपके पास होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो कि अंडर 100 रुपीज आपको मिलने वाले गाइज। और ऐसा नहीं है कि ये सारे लोकल ब्रांड है, ये बहुत ही ब्रांडेड है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इसको यूज किया, मेरे घर वाले इसको यूज करते हैं, सबकी स्किन पे मोस्टली ये अच्छी तरह से सूट होता है, तो मे बी आपको भी ये सूट होगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट से मिलेंगे ना, तो आप खुद भी सोचेंगे, अरे अभी तक मुझे कैसे नहीं पता था। तो कोई बात नहीं ना, अब पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको पता है, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और सबसे जरूरी होता है स्किन केयर। विंटर में अपनी स्किन बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, फ्लैकी सी हो जाती है। हम कितना भी फाउंडेशन या कोई सा भी बीबीसीसी या ब्रांडेड वाला फाउंडेशन लगा ले, फिर भी हमारी स्किन बिल्कुल एकदम सी फ्लैकी सी दिखती है, जो कि बहुत ही डुप्लीकेट सा लगता है। तो सबसे पहले हमको जरूरी होता है स्किन केयर, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो स्किन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेस वॉश, देन टोनर। टोनर के लिए आप फेस वॉश के लिए जो आपको सूट होता हो, एनी जो भी आपको सूट होता हो। टोनर के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तब रोज वाटर को एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। बारी आती है मॉइस्चराइजर की। अब मॉइस्चराइजर के लिए आप अंडर 100 में वो भी मतलब ब्रांड का और अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा है और शायद आप लोग इससे रिलेट भी करते होंगे, हर किसी के घर में यूज होता है वो वाला मॉइस्चराइजर। सो चलिए बातों को गोल गोल नहीं घुमाती, मैं मिलवाती हूँ आपको अपने मॉइस्चराइजर से। जी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप लोग इसको कितनी बार यूज करते हैं। पहले तो ये 2 वेरियंट में आता था, एक इसका व्हाइट पैकेजिंग आता था एंड एक नेवी ब्लू में। अभी तो इसके बहुत सारे फ्लेवर निकल चुके हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लाइक स्ट्रॉबेरी, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट इसके निकल गए हैं। तो आप जैसा आपको पसंद हो आप जाके ले सकते हैं। इसका टेक्सचर बताती हूँ आपको, तब इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत ही लाइट वेट सा फॉर्मूला है, साथ ही साथ आपके फेस को ये मॉइस्चराइज करता, हाइड्रेट करता है। इसके बावजूद आपके स्किन पे ना ऐसे ऑयली, जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर कैसे होते हैं, बहुत थिक होते हैं, तो बहुत ऑयली ऑयली सा लगता है। सो आप देख सकते हैं एकदम इतनी जल्दी इतनी इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग निविया ना बहुत टाइम से यूज करते थे, इनफैक्ट बचपन से बोलेंगे, क्योंकि मम्मी निविया बहुत ही ज्यादा लाती थी और हम लोगों को निविया क्रीम बहुत ज्यादा, उसकी जो थिक नेवी ब्लू वाली आती थी ना, वो हम ज्यादा यूज करते थे। क्योंकि सर्दियों में क्या होता ना, मोस्टली बच्चों की स्किन बहुत ही जल्दी रफ हो जाती, क्योंकि वो बाहर घूमते हैं, बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। दैट्स वाई मम्मी जो है ना, वो थिक वाली क्रीम यूज करती थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब ब्लर जैसा हो गया, और साथ ही साथ मेरा जो हैंड है मॉइस्चराइज भी हो गया। सो पहला प्रोडक्ट मैंने जैसा कि आपको बताया, ये आपको जरूर बाई करना है इस बार, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आएगा। और इसके साथ मैंने बताया ना, बहुत सारे वेरिएंट निकल गए, तो आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ती हूँ सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। अब सेकेंड प्रोडक्ट में मैं आपको एक फाउंडेशन से मिलवाना चाहूंगी जो कि आपको अंडर 100 में मिलेगा। गेस करिए कौन सा फाउंडेशन हो सकता है। टिक 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 टिक। नहीं, मैं ब्लू हेवन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्विस ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं LA18 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंडर 100 में आपको मिल जाएगा, अंडर 100 में। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, मैबलिन न्यूयॉर्क फिट मी। अभी आप सोच रहे हैं, आशु तुम फिर मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आपको फिट मी अंडर 100 में मिल रहा है। सच्ची में बोल रही हूँ, सच में। या मैं आपको चलिए मिलवा ही देती हूँ। ये आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिल रहा है गाइज, आप देख सकते हैं। ये है मैबलिन न्यूयॉर्क फिट मी 230 नेचुरल बफ मैट प्लस पोरलेस लिक्विड फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। सो है ना फायदे की बात, आप देख सकते हैं ये आपको अंडर 100 में मिलेगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे शेड भी हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिट मी फाउंडेशन तो सबका फेवरेट है, और लेकिन आप उसमें सेट चूज करने में कंफ्यूजन रहती है कि मैं कौन सा सेट लूं, बड़ी बोतल मंगाऊं या फिर ट्यूब का लूं या कैसा लूं, तो आप सबसे पहले ये वाले पाउचेज जो है, जो भी आपका सेट है, आप उसमें से ये पाउचेज मंगवा लीजिए।
उसके बाद इसमें आपको मिलता है, इसका जो नेट वैल्यू है 5 ml है, तो आप इसको 2 से 3 से 4 बार आराम से इजिली, बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी में आता है ना, तो आप इसको इजिली लगा सकते हैं, 5 से 6 बार लगा सकते हैं, जैसा आप मतलब अगर थोड़ा लाइट लाइट करके लगाते हैं तो आप 5 से 6 बार इजिली लगा सकेंगे। मैं सच में बोल रही हूँ, इसको मैंने 3 बार तो मैंने खुद ही यूज किया है, उसके बाद ये 4थी बार मैंने मेकअप के लिए यूज किया, इसके बावजूद भी अभी भी है इसमें, तो आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना सेट भी चूज कर लेंगे तो आपको थोड़ा इजिली हो जाएगा कि आप पंप बोतल लेना चाह रहे हैं, बड़ी बोतल लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो जैसा भी होगा। सो या आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और अगर आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको फिटमी कैसा लगा। सो या चलिए बढ़ती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है हमने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया, हमने फाउंडेशन लगा लिया, अपना बेस कंप्लीट कर लिया, अब बारी आती है अपने आईब्रो को फिल करने की, क्योंकि बिना आईब्रो के आपका फेस में ना एक फ्रेम नहीं आता है। सो ये पता नहीं आपको ये चीज लगती है या नहीं, बट मुझे पर्सनली ये चीज होता है कि जब तक हम आईब्रो अपनी अच्छी तरह से फिल नहीं करते ना, आपके फेस को एक फ्रेम नहीं मिलता है। तो मैं लेकर आई हूँ आपको अंडर 100 में आईब्रो डिफाइनर ब्रश, जी हाँ आप इसको आईब्रो पेंसिल भी बोल सकते हैं, बट ये ट्विन वन है, साथ में आपको स्पूली भी मिलता है, वो भी अंडर 100। या मैं बात यहाँ पे जो है ब्लू हेवन की नहीं कर रही हूँ, ब्लू हेवन तो आपको अंडर या 150 में मिलता है, बट जो प्रोडक्ट मैं आपको मिला रही हूँ ना, वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको अंडर 100 में मिलता है। सो मैं बात कर रही हूँ इस प्रोडक्ट की, जी हाँ ये है हिलारी रोडा का आईब्रो पेंसिल। अच्छा, इसके साथ आपको ट्विन वन मिलता है, साथ पीछे आपको एक स्पूली ब्रश मिलता है कुछ इस तरह से, जिससे आप अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हो गया। इसके बाद सेकेंड आपको इधर साइड में आपको आपका पेंसिल मिलता है, जो कि कुछ इतनी सारी क्वांटिटी में आता, मतलब आप यूज करेंगे ना तो भी आपका जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है। इसमें 2 सेट हैं, एक 01 एंड एक 02। मेरा सेट जो है वो है 01 और ब्राउन सेट में है, और मैंने अभी इसी से आईब्रो फिल किया है, तो थोड़ा सा मुझे ये डार्क लगा, मगर अगर आप पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल करते हैं, अगर आपको पेंसिल से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फिल किया बट मुझे पसंद आया, सीरियसली मुझे पसंद आया, तो ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ कि क्यों ना अंडर 100 में अगर आपको ये चीजें मिल रही तो आप बाई कर सकते हैं। सो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और इसका मैं आपको थोड़ा सा स्वेचेस भी दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट सा है, बस आपको आईब्रो अच्छी तरह से फिल करना आना चाहिए, ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो ये रहा थर्ड प्रोडक्ट, बढ़ते हैं फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ। जी हाँ, अब जैसे पूरा हमारा सब कुछ सेट हो गया, और बिना काजल के ना अच्छा नहीं लगता, जैसे स्मोकी लुक, अगर आप वाटरलाइन पे काजल नहीं लगाते, लेकिन अगर आप अपने जहाँ पे हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं ना, तो हमारा पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। तो अंडर 100 में मैं आपको मिलवाती हूँ एली 18 की आई डर्मा काजल से, जो कि बहुत ही अच्छा काजल है, सच में गाइज बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार बाई जरूर कीजिएगा, रिग्रेट फील नहीं करेंगे आप, और इसमें इतनी सारी क्वांटिटी आती है। सो आप देख सकते हैं मतलब आपका ये जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है, और आप इसको चाहे तो एज अ आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो स्मोक आउट कर सकते हैं, या फिर आप अपने वाटर लाइन के नीचे लगा सकते हैं, आप इसको किसी तरह से भी लगा सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देख सकते हैं ब्लैक में है बिल्कुल, तो अंडर 100 में और आपको क्या चाहिए। और एली 18 एक अच्छा खासा ब्रांड है जिसको बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटी भी प्रमोट करते हैं। सो या मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ती हूँ लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। अब पूरा मेकअप हो गया, आप बता सकते हैं बिना लिपस्टिक के मेकअप अपना कंप्लीट लगेगा नहीं, तो यहां पे मैं बात कर रही हूं अंडर 100 की लिपस्टिक। मैं अंडर 100 भी नहीं बोलूंगी, इसमें 75 रुपीज लिखा हुआ है, तो 75 रुपीज में आपको मिल रहा है एली 18 का कलर पॉप मैट लिपस्टिक, और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, इसमें बहुत सारे सेड हैं, सो आप जैसा सेड चाहें जाके ले सकते हैं। मैंने मुझे पर्सनली ये वाला सेड बहुत पसंद आया, सो आप देख सकते हैं ये वाला सेड मैंने अभी भी वियर किया हुआ है। सो या और इसको मैंने थ्री इन वन तरीके से लगाया, समझ लीजिए। इसको मैंने एज अ लिपस्टिक लगाई, मैंने एज अ ब्लश भी लगाया, अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्लश जैसा यहाँ पे बहुत नेचुरल सा ब्लश नजर आ रहा है, सो मैंने इसी से इसको ब्लश को यूज किया है।
तो जो कि ये शेड कुछ इस तरह से है, मेरा शेड है W12, तो ये वाला जो शेड है ना वो एज अ कंटोर भी मेरे चीक बोन्स को अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने इसको एज अ ब्लश, एज अ कंटूर, एज अ लिपस्टिक एंड एज अ आई शेडो भी लगाया है। सो आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा लुक मैंने सिर्फ इस 5 प्रोडक्ट से कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, चीटिंग मीन्स मतलब जो हाइलाइटर है, क्योंकि मेरे पास अंडर 100 के लिए सिमर पार्टिकल में जो छोटे वाले आते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सिमरी पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा ज्यादा ही चंकी दिखने लगता है। सो उसकी वजह से मैंने आई शेडो का जो सिमर वाला शेड होता है ना, मैंने उसको एज अ हाईलाइटर अप्लाई किया अपने चीक बोन्स पे, अपने नोज पे, जहां पे आपको देख रहे हैं, जहां जहां पे मुझे नीड है। सो ये रहा मेरा फुल कंप्लीट पैकेज। और अगर आपको ये अंडर 100 रुपीज का ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तक के लिए बाय।